नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको कौशाम्बी लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। लगाते थे और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ इनके द्वारा राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। इनके समय के कारनामे अगर उजागर हो जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और यही कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, याद करिए ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन अपने गले का हार बनाया था? मैं पूछना चाहता हूं कौशाम्बी की जनता से, बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूजा पाल के पति राजू पाल पिछड़े नहीं थे क्या? क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था कि वह इन लोगों को राजू पाल के लिए, उमेश पाल के लिए और इन माफियाओं के द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति, वो निषाद जाति के भी थे, पटेल जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, अन्य सभी जातियों से थे, कोई खटिक था, कोई अनुसूचित पासी था, अलग अलग जाति के थे। इनके मरने पर समाजवादी पार्टी की संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं होती थी, इनकी संवेदना तो उन माफियाओं के प्रति होती थी। आपने देखा होगा एक बुजुर्ग महिला, 80 वर्ष की महिला, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद वह मेरे पास आई थी। उसने कहा, साहब, ये प्रयागराज के इस माफिया ने मेरी पति की हत्या करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी, 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर भी मोर गया। जाति की थी वो महिला। और बहनों और भाइयों, याद करिए, मैं फिर खड़ा हुआ था, मैंने कहा, माता चिंता मत कर, आज आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार बनी है, इस माफिया को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, घबराइए। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिल गया। और उस बूढ़ी माता को उसका अधिकार हम लोगों ने दिया, उसका 10 बीघा खेत वापस उसको कराया गया और साथ साथ 10 वर्ष में जितना माफिया और उनके गुर्गों ने कमाया होगा वह भी वसूली हमने किया। और साथ साथ उस माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाने का भी काम किया गया। आज आपने देखा होगा जो सरकारी भूमि पर प्रयागराज में कब्जा किया था उसको हमने खाली कराया था और खाली करा करके अपने जनप्रतिनिधियों को लेके मैं गया था और मैंने कहा था, चलो, ये विनोद शंकर था, मैंने कहा, चलो जितने गरीब है, दलित है, खटिक है, पासी है, हरिजन है, दलित है, पिछड़े, इन लोगों को मकान आवंटित करो। और अपने सामने इन लोगों ने हाथों से दे करके मेरी उपस्थिति में गरीबों को मकान पे कब्जा करवाने का काम किया। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं अगर एक गरीब का बेटा देश की संसद में पहुंच जाता है, इन माफियाओं को बुरा लगता है। आज हम लोगों को अच्छा लगता है जब विनोद सोनकर कौशाम्बी की सेवा तो करता ही है, लेकिन जब मैं त्रिपुरा जाता हूं तो त्रिपुरा में भी मुझे वहां सेवा करता हुआ विनोद सोनकर दिखाई देता है। जब मैं किसी कार्यक्रम में गोवा जाता हूं तो गोवा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आपका विनोद सोनकर वहां भी खड़ा रहता है और कहता है वहां के कार्यकर्ताओं की हिम्मत से काम करो, हम तो मोदी के सिपाही हैं, मोदी जी के मिशन के लिए समर्पित हैं और अपने गरीबों के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने वंचितों के लिए, अपने
अपने पिछड़ी जाति के भाई और बहनों के लिए हम कार्य करेंगे, ये मुझे वहां भी दिखाई देता है। मैं महाराष्ट्र गया, ये वहां दिखाई दिया। मैं कर्नाटक गया, ये वहां मुझे दिखाई दिया। मैं तेलंगाना गया, ये मुझे वहां दिखाई दिया। मैं उड़ीसा गया, उड़ीसा में भी अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के साथ विनोद सोनकर मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और बहनों और भाइयों, हम हिमाचल जाते हैं तो भी विनोद सोनकर वहां कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता हुआ दिखाई देता है। आपका सांसद एक राष्ट्रीय नेता बन रहा है, राष्ट्रीय नेता बन चुका है। ये तो विकास की एक नई बहार लाने की तैयारी है कौशाम्बी के लिए, और इसलिए बहन और भाइयों आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। गमराह करने के लिए तमाम लोग आएंगे, तमाम प्रकार की बात बोलेंगे, तमाम प्रकार से झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार के वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके गुमराह करने का प्रयास करेंगे। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये अग्नि परीक्षा का समय नहीं है, यह समय तो है कमल खिलाने का समय है, कमल खिलाने का समय है। और कमल खिलाने के समय के साथ यहां पर हम लोग इस बात को सुनिश्चित कराएं, ये सुनिश्चित कराएं कि हमें सपा और कांग्रेस के द्वारा देश के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ जो खिलवाड़ होने जा रहा है, इसको हमें सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है, ये महामारी का कारण बना है। ये लोग अपने आप में ही महापातक के कारण है। इन लोगों के पापाचार देश के लिए खतरनाक है, मंसूबे खतरनाक है। याद करिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार के समय कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी। तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, और कमेटी ने क्या संस्तुति की थी, उसने संस्तुति की थी कि पटेल को, मौर्य को, अपने हिंदुओं के निषादों को, यादवों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, हमारी पिछड़ी जाति के अधिकारों को कोई नहीं ले सकता है। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने लागू नहीं होने दिया था। मैं सांसद था तब, और बहनों और भाइयों, फिर इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सज्जन की कमेटी बनाई, उसने मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित की जाति में शामिल करने का प्रयास किया। यानी अगर सीधे से नहीं तो पीछे से ये लोग अनुसूचित जाति का अधिकार हड़पना चाहते थे। हमने कहा भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, और आज भी उसी मंशा के साथ ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, इनके मंसूबों को पूरे नहीं होने देना है, कतई पूरे नहीं होने देना है। कांग्रेस का सहजादे क्या कहते हैं, एक झटके में हम गरीबी हटाएंगे। उनसे पूछा गया क्या फॉर्मूला है, उन्होंने कहा वेल्थ इमरजेंसी का मतलब एक्सरे, आपकी प्रॉपर्टी का लोग एक्सरे कराएंगे और फिर उस पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था, जितने भी मंदिर तोड़े गए थे इसी क्रूर औरंगजेब ने तोड़े थे। और बहन और भाइयों, हमें कांग्रेस सपा के इस जजिया कर को भारत की जनता पे नहीं लगने देना है।
ये जजिया कर का मतलब आपकी बाप दादों की कमाई, आपके बाप दादों की कमाई, और इस बाप दादों की कमाई का ये लोग आधा हड़पने का काम करेंगे क्या? अपनी संपत्ति जबरदस्ती कांग्रेस और सपा के गुंडों का कब्जा करने देंगे क्या? कब्जा करने देंगे क्या? पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और इनको ये अवसर ही नहीं देना है कि ये भी कुछ कर सके। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव देश को बनाने का चुनाव है और आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है, आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है। और वह सौभाग्य का क्षण ये अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखो भाई, हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया, ये सच है, ये सच है। मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, उनका विजन है, लेकिन मोदी जी की ताकत आप है, मेरी ताकत आप है। आप जब विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, यही हमारी ताकत बनती है। और आप भी कह सकते हैं इस लोक में ये पुण्य आपके साथ जुड़ा है कि आप भी कह पाएंगे कि जब हमने वोट दिया था तब मोदी जी और योगी जी ने अयोध्या में 500 वर्षों के कलंकों को समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया। और बहनों भाइयों, इस लोक के बाद परलोक जाएंगे तो वहां पर भी अपने पूर्वजों को बता पाएंगे कि देखो आपका संकल्प हमने पूरा किया, अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आ गए, प्रभु राम का कृपा भी और पूर्वजों का आशीर्वाद भी एक साथ मिलेगा। और इसलिए बहनों भाइयों, ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो ये नरकगामी है, नरकगामी, ये पाप का प्रतीक है, यह पुण्य का प्रतीक नहीं, क्योंकि इनके पास विकास की कोई सोच नहीं है। ये नकारात्मक सोच के कारण देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, विनोद सोनकर संघर्ष किया है, काम किया है, पूरी कौशाम्बी लोकसभा सीट के सभी मतदाताओं से, जागरूक मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वह अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठे, जाति से ऊपर उठे। विकास के लिए जितना काम इन्होंने यहां पे किया है, फोर लेन की कनेक्टिविटी दी है, जहां पर जितना कार्य इन्होंने कहा वह कार्य यहां के लिए मिला है, पर्यटन के लिए जितना पैसा मांगा उतना पैसा मिला है, जिस भी योजना के लिए इन्होंने डिमांड की सरकार ने इनको सहयोग किया। और सहयोग ही नहीं किया बल्कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पूरी तरीके से साथ खड़े होकर के विकास के इस अभियान में इनके साथ जुड़े। यहां पर इन लोगों ने मिलकर के, चाहे वह शीतला प्रसाद पटेल हो, चाहे वह लाल बहादुर हो और चाहे संजय गुप्ता हो, इन लोगों ने मिलकर के विनोद सोनकर के साथ मिलकर के मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और इसलिए मेरी आपसे अपील है बहनों और भाइयों, हमें फिर से माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया केवल वही नहीं है, माफिया केवल वही नहीं है जो मिट्टी में मिल गए हैं, अभी भी छात्र देश में बहुत सारे लोग हैं। अब तो सेकंड फेज में उन्हीं से निपटने की हम तैयारी करवा रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, विनोद सोनकर जीत करके जाएगा, जाएगा, पीछे तक मुझे आश्वस्त करो, पीछे तक सड़क में। अरे मैं अभिनंदन करूंगा कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप धूप में खड़े, मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं इतनी भीषण गर्मी में। बहनों और भाइयों, आप सब चुनाव जिता करके भेजेंगे, सभी लोग जिता करके भेजेंगे, लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा आपको, एक काम करना होगा, लोकसभा चुनाव में हर प्रत्याशी का घर घर जाना कठिन होता है,
और फिर विनोद सोनकर जैसा राष्ट्रीय स्तर का हमारा पदाधिकारी, हमें उनको कई जगह भेजना होता है। बहन और भाइयों, आप मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के और स्वयं विनोद सोनकर बनकर के लोकसभा चुनाव के लिए घर घर जाएंगे। अरे देश की खातिर जाना होगा, कौशाम्बी के विकास की खातिर जाना होगा। जाएंगे ना सभी लोग, जाएंगे। और विकास और सुरक्षा के मामले में ये सारा कुछ मेरे ऊपर डाल दीजिए, बाकी आप उसकी चिंता मत करिए, ये सब काम हम लोग करेंगे। सब संभव है ना, तैयार है ना? कमल चुनाव चिन्ह पर विनोद सोनकर चुनाव जीत के जाएंगे। तो मैं आश्वस्त हूं, आपने वायदा किया है और मैं भी आपके साथ वायदा करता हूं, संकल्प लूंगा कि आप जितने वोट से जिताएंगे मैं ब्याज सहित वापस करने के लिए फिर यहां पर वापस आऊंगा। सहमत है तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से कौशाम्बी लोकसभा में पुनः हम सब जीत करके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, 400 पार की माला में कौशाम्बी का भी मोदी शामिल होगा। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से यह संभव हो सकेगा।